आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम चर्चा का। हेल्दी और फिट रहने के लिए लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। हर दिन एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं, लेकिन बीते काफी दिनों से हम देख रहे हैं अचानक से दिल का दौरा पड़ने से लोगों की मौत हो रही है। इस लिस्ट में कई स्टार्स भी शामिल हैं। कई ऐसे स्टार्स का हाल ही में निधन हुआ है जिनका कारण दिल का दौरा पड़ना था। जब भी इन स्टार्स की इस तरह से मृत्यु होती है तो हर कोई कहता है कि स्टार्स तो इतना जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर कैसे ये घटना घट रही है। वैसे आज बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया और निधन की वजह हार्ट अटैक सामने आई है। बता दें, दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी। इस बुरी खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा है। हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है। फैंस और फिल्मी सितारे सतीश कौशिक को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। बता दें, सतीश कौशिक के निधन की जानकारी देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। जिंदगी तुम्हारे बिना अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ओम शांति। बता दें, बॉलीवुड गलियारों में मातम पसरा हुआ है। को बता दें, मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, जानता हूं मृत्यु हुई इस दुनिया का अंतिम सच है, लेकिन अपने जिगरी दोस्त के बारे में ये लिखूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। अनुपम खेर ने लिखा कि 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सम वी शुड यू सतीश। ओम शांति। सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अनुपम खेर ने अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, सतीश बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। बता दें, सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी। बता दें, इस बुरी खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा हुआ है। हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है। फैंस और फिल्म सितारे सतीश कौशिक को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। छाछठ साल की उम्र में एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और इनकी मौत की मुख्य वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। और सतीश कौशिक के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं राजनाथ सिंह ने भी इनके निधन पर ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राजनीतिक गलियारों से तमाम बड़े दिग्गजों ने ट्वीट किया है। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें, सतीश कौशिक के निधन पर भगवान मान ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें, सतीश कौशिक के निधन पर राजनीतिक गलियारों के भी तमाम बड़े दिग्गजों ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। पंकज त्रिपाठी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है।
वहीं अजय देवगन ने भी ट्वीट किया है और उनके निधन पर दुख जताया है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। बता दें राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। बता दें 66 साल की उम्र में एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हुआ है और इसी को लेकर तमाम बड़े दिग्गजों ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है, वहीं भगवान मान ने भी ट्वीट किया है। बता दें बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, जानता हूं मृत्यु हुई इस दुनिया का अंतिम सच है, लेकिन अपने जिगरी दोस्त के बारे में ये लिखूंगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। और लगातार ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। अजय देवगन का भी आप ट्वीट देख सकते हैं जिन्होंने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया है। बता दें हर जगह मातम पसरा हुआ है। बॉलीवुड गलियारों में मातम पसरा हुआ है। सतीश कौशिक के निधन की जानकारी होते ही लगातार उनके चाहने वाले ट्वीट कर उन्हें संवेदना दे रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। बता दें 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का निधन हो गया है और उनकी ये मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सतीश कौशिक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे। उनका जन्म 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था। बॉलीवुड में अपना ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में काम किया था। फिल्म अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक को 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। सतीश कौशिक 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। बता दें सतीश कौशिक की स्कूली पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। किरोडी मल कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। उन्होंने 1983 में बॉलीवुड से कदम रखा। 1985 में उन्होंने शशि कौशिक से शादी की, लेकिन शादी के बाद उनके जीवन में दुख का पहाड़ टूटा। उनके बेटे का 2 साल की उम्र में निधन हो गया था। बता दें सतीश कौशिक ने मजेदार किस्सा सुनाया था। कुछ समय पहले सतीश कौशिक ने अपनी जिंदगी का एक वाक्या शेयर करते हुए बताया कि उन्हें फिल्म मंडी के लिए कास्ट कैसे किया गया था। ये उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। सतीश कौशिक अपने लुक्स की वजह से काफी चिंता में रहते थे, लेकिन श्याम बेनेगल की इस क्लासिक फिल्म में उन्हें काम मिल गया था। एक्टर ने कपिल शर्मा शो में इस बारे में बात करते हुए कहा कि उस वक्त मुझे किडनी स्टोन के बारे में पता चला। मैं अस्पताल में एक्सरे करा कर लौट रहा था, तभी मुझे श्याम बेनेगल जी का फ़ोन आया। उन्होंने मेरी फ़ोटो मांगी। मेरे पास फ़ोटो नहीं थी और ये पता था कि फ़ोटो देखकर तो कास्टिंग होगी नहीं। मैंने उस माहौल को थोड़ा किया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अपनी तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट है। मैं अंदर से बहुत अच्छा इंसान हूँ। श्याम जी को इस बात पर बहुत हंसी आई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फिल्म मंडी में काम मिल गया है। बता दें सतीश कौशिक के निधन से बॉलीवुड गलियारों में मातम पसरा हुआ है। वहीं उनके चाहने वाले लगातार ट्वीट कर उन्हें संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।
जिसमें अनुपम खेर ने उनके निधन की सबसे पहले जानकारी दी। वहीं कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अभिषेक बच्चन का ट्वीट सामने आया है। वहीं करीना कपूर ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस खबर के अनुपम खेर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और उनकी निधन का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। जाने माने एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस खबर की जानकारी एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी है। बता दें 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया और ये अचानक हो रही मौतें कई सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हमने देखा, मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। दिल का दौरा उनको पड़ा है, क्या वजह है दिल का दौरा ऐसे पड़ने की? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही दुखद है, ये जो न्यूज चल रही है सतीश कौशिक जी की, जो निधन हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। बेसिकली जो कॉजेज होते हैं उसमें तो यही होता है कि जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उसकी वजह से पार्शियल और कंप्लीट हार्ट अटैक्स होते हैं जी। और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। तो किस वजह से हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बीपी लोगों का लगातार बढ़ा हुआ रहता है, इस वजह से भी हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ कॉजेज हैं, स्ट्रेस है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ पुराना बीमारी रहा हो उनको, हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो बेसिकली आजकल की जो लाइफस्टाइल है ये इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं मेजर हो जाते हैं तब जब कंप्लीट ब्लड फ्लो बंद हो जाए, और पार्शियल तब जब माइल्ड अटैक्स होते हैं। और कई बारी जब लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी होती है, तो भी इस तरीके के हार्ट अटैक्स बहुत ही कॉमन होते हैं जी। प्रियंका जी, अगर देखें तो जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं, लोगों में कहीं ना कहीं अब डर भी बैठ गया है, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, सीधी सी चीज है कि जैसे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनकी ठीक तरीके से इनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी नई गाड़ी खरीद के ले आता है तो उसकी सर्विसिंग का ध्यान रखता है, उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखता है, वैसे ही हमारा ये शरीर है, इसके हर तरीके से जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली तब जब आपकी एज 30-35 से अबव होने लगे, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल लोगों की बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, बहुत भागती दौड़ती हुई सी सबकी दुनिया है, और इसी में जो इनटेक होता है फूडिंग का वो प्रॉपर नहीं होता है। हर चीज के लिए आदमी के पास समय है, बस अपने स्वास्थ्य को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब अपने स्वास्थ्य को लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, ठीक तरीके से एक रूटीन चेकअप करवाते रहेंगे, अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, तमाम जो इस तरीके की कॉमन बीमारियां जो आजकल चलती हैं, इन पे अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत हद तक इस तरीके की चीजों को रोका जा सकता है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और लगातार आपका बीपी या तो ठीक नहीं रहता है या तो आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं होता है, लिपिड प्रोफाइल में जैसे कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली एचडीएल और एलडीएल जो होता है, एचडीएल जो होता है वो हाई होना चाहिए और जो एलडीएल होता है वो लो होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा का, लोगों का एचडीएल जो होता है वो लो हो जाता है और जो एलडीएल होता है वो हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है आर्टरीज में और आर्टरीज की इलास्टिसिटी लूज होने लग जाती है, जो आर्टरीज से ब्लड फ्लो होता है वो
कम पड़ने लग जाता है, हार्ट को ठीक तरीके से फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरीके के हार्ट अटैक्स तब ज्यादा आ जाते हैं जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत कसरत कर रहे होते हैं, जब आप अपने बॉडी की सारी मसल्स पे, ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, जब आप वर्कआउट के दौरान। तो इन सब चीजों का अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी एज 35-40 के अराउंड है, तो बहुत जरूरी है कि ध्यान रखें कि आपका लिपिड प्रोफाइल और बीपी कैसा रहता है। प्रियंका जी, आम लोगों के मन में बस एक ही सवाल रहता है कि जो आजकल सेलेब्स की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, वो तो इतना एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को इतना फिट रखते हैं, फिर कैसे ये सब घटना घट रही है? देखिए, एक्सरसाइज करना, फिट रखना, अब हम सतीश जी की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं अब उनकी क्या प्रोफाइल है, वो निकल कर क्या है तो पता लगेगा। और कई बार ये चीजें इनहेरिटेंस भी होती हैं, जैसे आपके हिस्ट्री में, पेरेंटल हिस्ट्री में ऐसा रहा हो कि हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो, डायबिटीज की हिस्ट्री हो, थायराइड की हिस्ट्री हो, बीपी की हिस्ट्री हो, तो कई बार कई चीजें हिस्ट्री से आती हैं, कई बार ज्यादातर आपके लाइफस्टाइल से आती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस, जो हर बीमारी को शूट करता है और तुरंत करता है। और बॉडी है, कभी भी किसी भी तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, जरूरत है कि हर इंसान को अपने सेहत के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रियंका जी, अगर देखें तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन हार्ट अटैक का ज्यादा शिकार हो रही है, तो क्या वजह है इसका शिकार यंग जनरेशन ही हो रही है? यंग जनरेशन्स में ये चीजें वैसे तो बेसिकली कायदे से अगर देखा जाए तो 45-50 के बाद की बीमारियां हुआ करती थीं, लेकिन मैंने बार बार ये चीज कहा कि लोग भागती दौड़ती हुई इसी दुनिया में अपनी हर चीज को प्रायोरिटी देते हैं सिवाय हेल्थ के। शरीर जब तक एकदम पड़ ना जाए बिस्तर पे, तब तक लोग इसके लिए जागरूक कम होते हैं। लोगों को लगता है कि हम अपनी अदर चीजों पे इन्वेस्टमेंट करें वो ज्यादा बेहतर है। हम अगर अपनी दवाइयों में खर्चे कर रहे हैं, अपने हेल्थ में खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारा वेस्ट जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को अक्सर पेशेंट्स इस तरीके की चीजें बोला करते कि बताइए, बिना मतलब का हमें दवाइयां खाना पड़ रहा है या हमें दवाइयां खाना पसंद नहीं है। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज यही है कि आप ठीक तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखें। आपकी बॉडी जो है वो कचरा नहीं है, वो डस्टबिन नहीं है, इसलिए जो भी आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, जो भी आप अपने पेट में डाल रहे हैं, उसका ध्यान रखें। डेली बेसिस पे हर किसी का मन होता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाया जाए, बट डेली बेसिस पे अगर आप उसको रूटीन बना लेते हैं, एवरी डे इफ यू टेक कंज्यूम फास्ट फूड, एवरी डे अगर आप बटर, घी और इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और पूरे टाइम दिमाग चलते रहता है सुबह से लेकर रात तक, जब तक आंखें बंद ना हो जाए तब तक लोग मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कभी रेस्ट दे ही नहीं रहे अपने बॉडी को, अपने माइंड को, जो कि बहुत आवश्यक है। तो जरूरी, पहले स्ट्रेस की बात कर रही थी, तो क्या स्ट्रेस ही हार्ट अटैक की मुख्य वजह है? लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ी वजह है, और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपका खान पीन है, उस पर इंपॉर्टेंटली ध्यान दें, तो काफी हद तक आप ठीक रहेंगे। लोगों को अपने आप को स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए अपनी फूडिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और नींद अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तो ये सब जो छोटी मोटी चीजें, इन चीजों का अगर ध्यान हम डेली बेसिस पे रखते हैं तो हम अपने आप को काफी हद तक फिट रख सकते हैं और दूर रख सकते हैं किसी भी जटिल बीमारी से। और स्पेसिफिकली अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बीपी का क्या लेवल है, रूटीन तरीके से उसको चेक करते रहिए, अपने घर में डिवाइस रखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जी प्रियंका जी, एक मेरा जरूरी सवाल, अगर पहले से ही परिवार में दिल के मरीज है तो क्या करना चाहिए? अगेन, सतर्कता ही सबसे अच्छा प्रिवेंशन है, सतर्क रहें। वही मैंने कहा कि अपनी रूटीन का ध्यान रखें, आपका पेट सही होना चाहिए, कई बार डाइजेशन जब ठीक नहीं होता है तो भी बीपी शूट कर जाता है, एसिडिटी ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, बहुत बेचैनी, घबराहट अगर किसी तरीके की होती है तो उसके लिए भी आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए, ठीक तरीके से आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना चाहिए बॉडी का। स्ट्रेस सभी को होता है, लेकिन उससे दूर रहने के लिए तमाम मेडिटेशन होते हैं, योगा होते हैं, अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो शाम को जरूर अपनी बॉडी के लिए समय दीजिए, वॉक जरूर करिए 30-40 मिनट्स की, और ये कुछ ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
लिवर को स्वस्थ रखने के लिए उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको बाहर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल बेसिस पे कभी नीम का पानी, कभी तुलसी का पानी और एलोवेरा और जीरा पानी, इस तरीके की चीजें भी लेते रहना चाहिए। जो नेचुरल चीजें हैं ना उनका हमेशा कंजम्पशन करना चाहिए। और अपनी जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि CBC हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, इन चीजों को जरूर रूटीन बेसिस पे चेकअप करवाते रहें BP के साथ। प्रियंका जी, लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कम करें ज्यादा करें, उसको लेकर क्या कहेंगे? गाइडेंस में देखिए, कोई भी कार्य अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से होना चाहिए तो एक गाइडेंस जरूर लें, जो भी जिस फील्ड का मास्टर है उससे सजेशन लेकर के करें। जैसे अगर आप किसी भी योगा मास्टर से मिलते हैं, किसी भी ट्रेनर से मिलते हैं, तो उनको बताइए कि आपको क्या डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनर आपको हेल्प आउट करेगा कि अगर आप BP के मरीज हैं, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए विच इज अगेन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए मास्टर से सलाह जरूर लें हर चीज के लिए, आप खुद को ना एनरोल करें, बिकॉज ये छोटी छोटी सी लापरवाही कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। जी प्रियंका जी, क्या मोटापा भी दिल की बीमारी का कारण बनता है? ओबेसिटी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, इसीलिए मैंने अभी इससे पहले भी मेंशन किया कि 30-40 मिनट्स की वॉक जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, बिकॉज मोटापे की वजह से तमाम बीमारियां होती हैं। मोटापे की वजह से डायबिटीज होता है, मोटापे की वजह से BP भी शूट कर जाता है। मोटापा अगर आपको है तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, पेट ठीक नहीं रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उससे हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बॉडी है तो सारा सिस्टम, सारा ऑर्गन, सारा टिश्यू, सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और सबका ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। प्रियंका जी, लोग हार्ट अटैक की शुरुआती चेतावनियों को कैसे परखें? कुछ माइनर से सिम्टम्स होते हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी भी चेस्ट पेन का शिकार हो रहे हैं, जैसे चेस्ट पेन कई बारी लेफ्ट साइड को होता है और वो जो लेफ्ट साइड का चेस्ट पेन होता है वो कंधे से लेकर के हाथ की तरफ आता है, उंगलियों की तरफ आता है, तो इसको एंजियाना भी कह सकते हैं। जब ब्लड सप्लाई लो होता है तो इस तरीके का चेस्ट में हेवीनेस या फिर पेन महसूस होता है, ज्यादातर लेफ्ट साइड में। एक चीज दूसरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे सांस लेने में तकलीफ होने लगे और भारीपन महसूस हो, ये दूसरा एक मेजर सिम्टम है जो देखा जाता है। जलन भी कुछ लोगों को चेस्ट में महसूस होती है, इसी के साथ बहुत सुस्ती, बहुत फटीग, बहुत लथार्जिक महसूस करते हैं। इंसोम्निया की भी शिकायत देखी जाती है कि जैसे शुरुआती दौर में ऐसा होने लग जाता है कि नींद भी ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अगेन, इंसोम्निया तभी होता है जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो नींद नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे वो प्रभाव डालती है। इसी के साथ पैल्पिटेशन एक बहुत मेजर चीज है जो नोटिस किया जाता है, जैसे लगता है कि बहुत बेचैनी, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन धक 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 एकदम ऐसा हो रहा हो। इसी के साथ नौजिया और स्टमक डिस्कम्फर्ट, इनडाइजेशन, एसिडिटी, इस तरीके की चीजें बहुत ही कॉमन है एंग्जाइटी के साथ। जी प्रियंका जी, महिलाओं में हार्ट अटैक के कैसे लक्षण हो सकते हैं और पुरुषों में कैसे हो सकते हैं, क्या इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है? ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं, आज सच कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं होता है कि ये महिला का है हार्ट तो ऐसे सिम्टम्स होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं सिम्टम्स जो हमने आपको बताए अभी। जी प्रियंका जी, डॉक्टर की मदद कब लेनी चाहिए? अगर बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको लगता है और एकदम इंटेंस पेन लगता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर ये जो स्ट्रोक्स होते हैं ये बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देते सोच पाने के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी कर पाने के लिए। तो अगर आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं रहता है, बीपी शूट करता रहता है, उसका फ्लक्चुएट कर रहा है, बीपी भी ठीक नहीं रहता है, आपके हेरिडिटरी में अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो ये जरूरी है कि आप अपना ठीक तरीके से रेगुलर चेकअप करवाते रहें, जिसमें ECG रहे, इको रहे, एनजियोग्राम रहे, सिटी ऑफ हार्ट, MRI ऑफ हार्ट, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो रेगुलर
डॉक्टर से कंसल्ट में रहिए, मेडिसिंस लेते रहने से इस तरीके की चीजों से बचा जा सकता है, खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बट अगेन आपको पता होना चाहिए कि आपका लिपिड सीबीसी और जो इको वगैरह है, बीपी है, वो कैसा रहता है, और अगर किसी भी तरीके की परेशानी पीछे हो चुकी है तो आप सतर्क रह करके खुद को सेफ कर रख सकते हैं। प्रियंका जी, अगर देखें तो हार्ट डिसीज काफी तेजी से बढ़ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को, क्या खाना चाहिए, क्या कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए? सबसे पहले एक सेहत अच्छा बनाने के लिए जो आपका हार्ट है वो दिल एकदम साफ और सुंदर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि वॉक जरूर करें 40 मिनट की, और इसी के साथ प्लांटी ऑफ वाटर इनटेक, वॉक, एक्सरसाइजेस, और इसी के साथ आप अपनी डाइट में बहुत इम्प्रूवमेंट करें। किसी भी तरीके की एसिडिटी की वजह से भी कई बारी चेस्ट पेन वगैरह हो जाता है, तो इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, ओट्स, इस तरीके अलसी, ऐसी चीजों का सेवन लगातार करते रहें और अपने डाइट में जरूर रखें, तो ये सारी चीजें आपके दिल को स्वस्थ रखने में काफी हद तक मददगार होती हैं। जी प्रियंका जी, अगर देखें तो आज की जो जेनरेशन है, यंग जेनरेशन है, वो कहीं ना कहीं आजकल स्ट्रेस ज्यादा लेती है और कहीं ना कहीं ये हार्ट की प्रॉब्लम बनती है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, स्ट्रेस तो मेरे हिसाब से सबके जीवन में है, और चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, डील करना आना चाहिए। और बात बात पे लोग आजकल नाराज बहुत हो जाते हैं, इरिटेबल बहुत हो जाते हैं, ये समझे बिना कि मैं ही सही हूँ दूसरा गलत है, तो बहुत जरूरी है थोड़ा सा अपने आप को कूल रखिए, काम रखिए। अगर किसी भी तरीके की एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है तो अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत करें, उनसे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स को। और एक बहुत बड़ी जो बीमारी हो गई है वो आजकल मोबाइल फोन हो गई है, बिकॉज लोग किसी के साथ बैठते नहीं, सिर्फ अपने मोबाइल फोन के साथ बैठे रहते हैं पूरे टाइम, सुबह से लेके जब तक आंख रात में बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से उनकी एक अलग दुनिया बन चुकी होती है, और इसकी वजह से जो इरिटेबिलिटी क्रिएट हो रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। जरूरत है कि खुशियां बांटें, खुश रहें, और जो आपका स्ट्रेस का लेवल है वो तभी रिड्यूस होगा जब आप औरों के साथ अपनी परेशानियां और खुशियां बांटते रहेंगे, जैसा कि पहले लोग किया करते थे, और पहले इस तरीके की बीमारियां इतनी ज्यादा होती भी नहीं थी जितनी अब होने लगी हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने आप को थोड़ा सा कूल और काम रखते हुए, और क्योंकि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा मैनेज करें, बिकॉज जीवन है तो जहान है और सब कुछ होता रहेगा अगर आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। प्राइम टीवी के माध्यम से प्रियंका जी क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? सलाह तो मैंने बहुत कुछ दे दी, बस ये कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि अपना ध्यान जरूर रखें। हर कोई हर चीज का ध्यान रखता है, लेकिन ये भूल जाता है कि स्वास्थ्य को सब लोग सोचते हैं कि चलो जब तक गाड़ी चल रही है तब तक चलाते रहो, खींचते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत टेस्ट करवाएं, डॉक्टर्स से जरूर कंसल्ट करें, डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक चीजें लीजिए अपनी फूडिंग में, और स्वस्थ और अच्छा महसूस करिए, खुश रहिए, और दिल का ख्याल खुश रह के रखा जा सकता है। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका, जिन्होंने हार्ट अटैक से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। हार्ट डिसीज बढ़ रही है, इसी बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है, और निधन की मुख्य वजह हार्ट अटैक बताई गई है, और हार्ट अटैक से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको डॉक्टर प्रियंका मौर्य बता रही थी। ज्यादा हेल्दी और फिट रहने के लिए लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करना
पसंद करते हैं। हर दिन एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं, लेकिन बीते काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि अचानक से दिल का दौरा पड़ने से लोगों की मौत हो रही है। वहीं आज एक दुखद और बड़ी खबर आई जिसमें अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हो गया और निधन की मुख्य वजह हार्ट अटैक बताई गई। कई ऐसे स्टार्स का हाल ही में निधन हुआ है जिसका कारण दिल का दौरा पड़ना था। जब भी इन स्टार्स की इस तरह से मृत्यु होती है तो हर कोई कहता है कि स्टार्स तो इतना जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर भी ये घटना कैसे घट रही है। वहीं आज बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे। उनका 66 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की मुख्य वजह हार्ट अटैक बताई गई। बता दें, अचानक से हार्ट अटैक से होती मौतें तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। बता दें, हार्ट अटैक से सतीश कौशिक का निधन हुआ है। इससे पहले भी तमाम स्टार्स के हार्ट अटैक से निधन हो चुका है और अचानक से हार्ट अटैक से हो रही मौतें कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। बता दें, सतीश कौशिक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे। उनका जन्म 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था। बॉलीवुड में अपना ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में काम किया। फिल्म अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक को 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। सतीश कौशिक को 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। हमारे साथ डॉक्टर शहनवाज खान हमसे जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आपने देखा कि सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हो गया है और इस तरह से अचानक हार्ट अटैक से होती मौत तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या वजह है अचानक से इस तरह से हार्ट अटैक का आना? देखिए मैडम, जैसा कि पहले भी हमारे इस बारे में एक बार बात हुई थी और मैंने बताया था। एक्चुअली मैं देखिए, हमारे सतीश कौशिक जी क्योंकि एक बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं और इस समय उनके जो अंतिम क्षण थे उस बीच में उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ा, जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, जिससे जो है कि बॉडी में वेट ज्यादा होने की वजह से, आम भाषा में कहें तो नसों के ऊपर जो चर्बी ज्यादा जम जाने की वजह से भी नसों का ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक मुख्य वजह उनकी वजन भी हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि पुरानी उनकी हमें मेडिकल हिस्ट्री के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन इस समय के जो उनको हृदय गति जो रुकी है उनकी, तो उसकी मुख्य वजह वजन भी हो सकती है। शहनवाज जी, जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं। लोगों में अब देखें तो कहीं ना कहीं डर बैठ गया है, इस पर क्या कहेंगे? हेलो शहनवाज जी, आपको आवाज आ रही हमारी? आवाज कट गई, सॉरी सॉरी।
शनवार जी, जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान देखें तो कई मौतें हुई हैं, तो क्या लोगों में देखा जाए तो जिम को लेकर कहीं ना कहीं डर बैठ गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम की मौतों का जो वजह बनी थी वो मैंने बताया था उस बीच में भी, क्योंकि कुछ लोग जिम में जल्दी पर्सनालिटी बनाने के लिए, जल्दी अपनी सेहत को बनाने के लिए एस्ट्रॉइड वगैरह लेते हैं, और वो एस्ट्रॉइड जो है वो हार्ट को डायरेक्ट जाकर के एक्स्ट्रा पंपिंग करने के लिए मजबूर करता है, और उसके वजह से जो है हार्ट अटैक के चांस बने थे। तो एक थोड़ी सी वजह बनती है, जिन लोगों को बहुत अच्छा अनुभव नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ी सी वजह तो ये बन जाती है कि हम ज्यादा अगर एक्सरसाइज करेंगे तो मे भी हम लोगों को हार्ट अटैक के चांस बन सकते हैं। जी शहनवाज जी, अगर देखें तो हार्ट अटैक के जो ज्यादा शिकार हो रहे हैं वो यंग जनरेशन ही हो रहे हैं, तो क्या वजह है इसके, यंग जनरेशन ही इसकी चपेट में आ रहे हैं? देखिए, असल में इधर जब से कोविड के बाद से ये केसेस देखने को ज्यादा मिले हैं, क्योंकि कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम पे लोगों ने ज्यादा प्रायोरिटी करी है, और यंग जनरेशन जो कि प्रॉपर पहले काम कर रही थी अब जो है वो वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर में बैठ गई है, प्लस उनकी डाइट का रूटीन पूरा बदल गया है, प्लस उनका वर्क का रूटीन पूरा बदल गया है, और इसका भी एक प्रमुख कारण रहा है जो हार्ट अटैक को या हार्ट्स को या बॉडी के और जो पार्ट्स हैं उनको प्रभावित कर रहा है, और इसकी वजह से भी हार्ट अटैक थोड़े से बढ़े हैं। शहनवाज जी, लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कितना करना है, नहीं करना है, ज्यादा कम, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक्सरसाइज का जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, उसके लिए हम लोगों को जो प्रशिक्षित जिम ट्रेनर होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है या जो लोग बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त करे हैं उन्हीं के माध्यम से जो है हम लोगों को उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो करना है, और उन्हीं के बताए नियम को फॉलो करके ही एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई भी चीज बॉडी में आप ज्यादा करते हैं कि हमारी बॉडी को आदत नहीं है उतनी एक्सरसाइज करने की, और अचानक से हमने एक्सरसाइज अति मात्रा में कर ली, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमारी बॉडी पे होता है। तो किस तरह से करना चाहिए, क्या कुछ लाइफ स्टाइल में बदलाव करना चाहिए शहनवाज जी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को जो भी एक्सरसाइज करना है एक प्रशिक्षित जिम ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को करना है, प्लस जो एक एस्ट्रॉइड लेकर के कम समय में हम आज की युवा पीढ़ी जो है कम समय में चाहती है कि हम बहुत तेजी से ग्रोथ करें, और बहुत तेजी से ग्रोथ करने के बाद जो है हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाए, शो ऑफ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और अपने पारिवारिक डॉक्टर की सलाह लेकर के ही किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। और मेरी अगर मानी जाए तो कोई भी एस्ट्रॉइड लेकर के एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सबका एक अलग प्रभाव पड़ता है शरीर पर, और वो शरीर जो है आपका कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, जो भी आपके अलग से मेडिसिन ली जा रही है, इसके वजह से भी हार्ट अटैक्स के अलावा भी किडनी फेल्योर के बहुत चांसेस मिलते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में अति मात्रा में स्टेरॉइड ले लेते हैं, वो देखते हैं कि किसी ने 10 साल एक्सरसाइज करी है उसकी जो सेहत बनी है, मैं 2 साल में बना दूं या मैं 1 साल में बना दूं, वो एस्ट्रॉइड की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो कि हार्ट को भी असर करती है, किडनी को भी असर करती है, लीवर को भी असर करती है, पूरी बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, प्रमुख ऑर्गन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, मोर्टिलिटी के चांस बढ़ते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के रूप में हो, चाहे वो किडनी फेलियर के रूप में हो। जी मैडम, अगर हम देखें हार्ट अटैक से हाल ही में तमाम स्टार्स का निधन हुआ है, और आम लोगों के मन में यही सवाल खड़ा होता है कि वो तो इतना एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, फिर किस तरह की घटना घट रही है? देखिए मयूरी जी, कहीं ना कहीं इसका कोविड का भी कोरिलेशन है, कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई है, जो लोग कोविड में कुछ मात्रा में प्रभावित थे उनको उनके शरीर की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, कहीं ना कहीं जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम हुई है शरीर की, ये कई प्रॉब्लम्स तो आई हैं, जिसके वजह से जो मौतें देखने को मिल रही हैं वो उससे जो हम लोग अभी आकलन लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को हार्ट अटैक क्यों पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो एक आकलन लगाया जा रहा है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कोविड के सिम्टम्स होने के बाद से लोगों को इस चीजों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है, प्लस डाइट का जो खान पान है उसका भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
और हम लोगों को जो शुद्ध मात्रा में खाना मिलना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में मिलावटी भी चीजें बहुत आ रही हैं, जी उनकी उन सब की भी वजह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है जी मेरे। बिल्कुल। सनबाद जी, अगर पहले से ही परिवार में कोई दिल का मरीज है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पहले से परिवार में कोई दिल का मरीज है तो ये बीमारी आने वाली पीढ़ी को हो सकती है, तो इसके लिए हम लोगों को पहले से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हम जी प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं जिससे वेट आपका बहुत ज्यादा बढ़े, और अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो वो अपने डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेता रहे और अपने खान पान का एक सुचारित रूप से जो है वो एक तरीका बनाएगा कि हमको इस टाइम पे और ये हमको भोजन अपना करना है। अगर उसने अपने खान पान में परिवर्तन नहीं किया और अपना जीवन शैली को उसने नहीं समान रूप से चलाया तो कहीं ना कहीं उसको हार्ट की प्रॉब्लम होना पक्की बात है। शहनवाज जी, हार्ट अटैक की शुरुआती चेतावनियों को कैसे परखा जाए? देखिए, हार्ट अटैक की शुरुआती चेतावनी को खैर बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं पकड़ा जाता है। लोग एक बहुत इनिशियल स्टेज पे लोगों को सीने में गैस की मतलब प्रॉब्लम होती है कि लगता है गैस बन रही है, और वो गैस सीने में बनती है, उनको लगता है कि हमारे सीने में गैस बन रही है। तो एक ये आज की डेट में कुछ हार्ट अटैक तो साइलेंट हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो उसमें तो कोई सिम्टम्स शो ही नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे गैस का बनना, छाती में कहीं हल्का सा दर्द होना, और जब ये तो शुरुआती आपके सिम्टम्स हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। हार्ट अटैक होने के बाद तो पेन होना, स्वेटिंग होना, ये तो कॉमन चीज है, लेकिन शुरुआती स्टेज पे अगर किसी को बहुत अधिक मात्रा में अचानक से गैस बन रही है, सीने में जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो वो अपने किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जा करके अपना चेकअप कराए, और सावधानी पूर्वक अपनी जांचें करा करके अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा। जी शहनवाज जी, महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण, पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षण क्या अलग-अलग होते हैं? कोई डिफरेंस होता है? नहीं, कुछ खास ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है महिलाओं में वैसे तो कम आती है, पुरुषों जी के कंपेयर में महिलाओं में प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन इधर कई बार देखा गया है कि कुछ ऐसे भी लोगों को काफी अच्छे जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसा कि आप बता इशारा दे रही हैं, तो जी हमें समझ में आ रहा है कि कभी कभार देखिए सबसे एक प्रमुख कारण डिप्रेशन बहुत बड़ा काम होता है। किसी कोई मानसिक तनाव लिए बहुत ज्यादा समय तक बैठेगा तो जी उसको भी हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय समय पे डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं कि आप जो है मानसिक अपना जो है तनाव कम लें, और अपने थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए डॉक्टर्स भी राय आपको देते हैं कि आप बाहर निकल जाइए, कहीं हिल स्टेशन चले जाइए, पहाड़ों चले कुछ दिन घूम आइए, क्योंकि तनाव भी एक महिलाओं का प्रमुख कारण तनाव होता है। पुरुषों में इतना तनाव होता है, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं अपनी सुंदरता को भी लेके करेंगी, अपने करियर को भी लेके करेंगी, अपने बच्चों को भी लेके तनाव में रहती हैं, तो महिलाओं में तो इसकी एक वजह ये होती है कि महिलाओं में भी वेट गेन होता है, लेकिन अगर कोई महिला है जो अपने शरीर को स्वस्थ रखे है, अगर उस कंडीशन में उसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें तनाव का अहम भूमिका होती है। मयूरी जी, जी सहनवाज जी, इन सब मामलों में डॉक्टर की मदद कब लेनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसा कि बताया आपको, डॉक्टर से सलाह आपको, देखिए सबसे पहले तो एक आपको 25 एज होने के बाद आपको अपने पारिवारिक डॉक्टर, अगर आपके पास कोई अच्छे हैं तो आप उनसे जो है सलाह लेते रहें कि अगर उनको चेस्ट में कोई पेन महसूस हुआ, कोई जलन महसूस हुई, या कंटिन्यू गैस की प्रॉब्लम बन रही जो कि बहुत काम कॉमन हो चुकी है, क्योंकि हम लोग हमारे लोगों का खान पान बहुत खराब हो गया है। तो हम लोगों का क्या है इस टाइम, लोगों की न्यू जनरेशन ने करा क्या कि खाना खाने के बाद वो शायद 10 मिनट अगर वर्कआउट करने के बाद कुछ टहलेंगे तो टहलेंगे, वरना वो सोर चले जाते। मैंने देखा है कि हमारे शहरों की लाइफ हो चुकी है 12 बजे खाना खाना, 1 बजे सो जाना, जी लेकिन जो खाना खाकर खाने का सही टाइम है वो 7 से लेके 8 के बीच का टाइम है, कि आपको सोने से पहले 3 घंटे का कम से कम आपको खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को इस वे में लेके चलेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, और काफी कम चांसेस होंगे कि आपको हार्ट से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या उत्पन्न होगी। मेरी सनवाद जी, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, प्राइम टीवी के माध्यम से हम इस बात को सभी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि
सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा फास्ट वॉक, मतलब थोड़ा तेज कदम से चलना बहुत आवश्यक है। आप लोग सभी लोग स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको दिखाता है कि आपने कितने घंटे चले, कितने कदम चले, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि 24 घंटे में मुझे लगता नहीं है कि 80% हिंदुस्तान की आबादी अपनी सेहत के बारे में जरा सा भी सोच रही है। शायद ही 20% या 10% ऐसे लोग होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं। प्लस जो हमारे जीवन में सबसे अहम रोल अदा करता है वो खाना है, कि हम लोग क्या खा रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं। अगर हम लोग अपना खाने पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारा खाना सिस्टम में नहीं चल रहा है, तो हम लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और मेरा एक सभी जनता से, सभी लोगों से यही एक निवेदन है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से, अपने करीबी डॉक्टरों से सलाह लें और उनके बताए जो खाने का शेड्यूल होता है उसको फॉलो करें, और लोगों को इस चीज की जागरूक करें कि अपने परिवार में अगर एक आदमी किसी डॉक्टर से मिल के आया है तो वो परिवार के सभी सदस्यों को इस चीज के लिए आग्रह करें कि आप लोग अपने खान पीन का समय सही निर्धारित करें, खान पीन का जो भी हम खाना खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, उसमें क्या फैट है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें क्या मिनरल्स हैं, सारी चीजों का हमें कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए ताकि हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकें। जी शहनवाज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर वैभव सक्सेना जुड़ चुके हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता से। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। जैसा कि आज आपने देखा कि अभिनेता सतीश का निधन हो गया है हार्ट अटैक से, इस तरह से हार्ट अटैक की लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या वजह है हार्ट अटैक की इस तरह आना? बात समझना पड़ेगा कि जो हार्ट अटैक है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीज है लार्जली, और लाइफस्टाइल इज कंप्राइजेड ऑफ 4 मेजर थिंग्स आई थिंक। वन इज द डाइट, द काइंड ऑफ फूड वी आर टेकिंग, जिस तरह के हम खाना खा रहे हैं। दूसरी हमारी फिजिकल एक्टिविटी, आजकल जिस तरह की हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव शिफ्टेड टुवर्ड द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादातर अपने ऑफिस में बैठे हैं पूरे दिन, 10 से 12 घंटे जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप या कहीं पर। और तीसरा मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो है हमारे स्लीप, द क्वालिटी ऑफ स्लीप वी आर हैविंग, किस तरह की नींद हम ले रहे हैं, किस समय ले रहे हैं, और क्या हम संपूर्ण तरीके से नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ए गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। और फोर्थ मैं ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस, जिस तरह से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है, लाइफ कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं हो चुकी है, इट्स ऑल आर परस्पेक्टिव, द वे वी लुक एट द लाइफ एंड डिफरेंट सिचुएशन कमिंग इन लाइफ। तो हमें अपने नजरिए पे भी काम करना पड़ेगा कि जब लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे अनुसार नहीं होती हैं, उस समय हमें किस तरह से अपने उन चीज़ों को हैंडल करना है, अपने इमोशंस को, जिस तरह के हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक रहे और हम स्ट्रेस के चंगुल से बच सकें। जब हम इन चारों चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि हम हार्ट डिसीज, जो बढ़ते हुए केसेज हैं यंग एज में भी जो हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, हम उनको कम कर सकते हैं। लेकिन हमें डेफिनेटली उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा। वैभव जी, जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से शुरुआती लक्षण को समझा जाए? शुरुआती लक्षण अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हमें देखने को मिल सकता है कि जो आदमी अगर कोई मेहनत का काम करता है, पैदल चल रहे हैं, पहले पैदल चलते थे तो सांस नहीं फूलती है या छाती में दर्द नहीं होता था, और उन्होंने नोटिस किया है कि पिछले 5-6 महीने में उनकी कार्य करने की क्षमता कुछ कम हो गई है, पहले वो 2-3 मंजिल चढ़ जाते थे, अब चढ़ते हैं तो छाती में भारीपन आता है या छाती में दर्द होता है या सांस फूलती है या धड़कन महसूस होती है या चक्कर आते हैं, तो ये सब वार्निंग साइन हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति में कि उसके अंदर हार्ट डिसीज डेवलप हो रही है और समय आ गया है कि उसको उस समय ध्यान देना चाहिए कि हम बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़े और किसी बड़ी अनहोनी से बच सके। जी वैभव जी, अगर देखा जाए तो आजकल यंग जनरेशन ही हार्ट अटैक का ज्यादा शिकार हो रही है, जो लोग अपने आप को फिट भी रखते हैं, फिट भी दिख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, जब हम फिटनेस की बात करते हैं, हम लोगों ने फिटनेस को मान लिया है फिजिकल फिटनेस, अगर कोई आदमी जिम जा रहा है
खूब ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेडमिल कर रहा है, रोज टहलने जा रहा है और उसकी बॉडी हमें फिट दिख रही है, उसका वेट सही है, तो हम कहते हैं वो आदमी बहुत फिट है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हेल्थ का एक एस्पेक्ट और भी है, एक हमारी फिजिकल फिटनेस है और एक हमारी इमोशनल फिटनेस है, या जिसको मेंटल फिटनेस कहते हैं। तो इमोशनल फिटनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की फिजिकल फिटनेस है। और आज लार्जली क्या हो रहा है कि जो यंग जनरेशन खासकर है उसके अंदर ओवर जिलस डिजायर्स हैं कि हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव कर लें, जबकि अचीव करने में हर चीज में एक समय लगता है। और आजकल की जनरेशन में पेशेंस की कमी है, ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके पास, और वो बहुत चीजें बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। इससे उनके ऊपर जब वांछित रिजल्ट नहीं आते हैं तो एक प्रेशर बनता है और उस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिससे कि इमोशनल कोलैप्स होता है, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी और ये सब डेवलप होते हैं। ये सभी फैक्टर है जो होल हार्ट अटैक की ओर तरफ बढ़ाते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान देने के लिए कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमें अपनी इमोशनल हेल्थ फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी वैभव जी, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगी। मेरे साथ डॉक्टर शहनवाज जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलूंगी। शहनवाज जी, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए अपने डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो भी खाना ले रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ मील की बात जैसे डॉक्टर वैभव सर ने बताई है, तो हम लोग पहले तो खाने की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को बहुत ही संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब ये होता है हम लोगों को खाने में सलाद का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। लोग आज की डेट में वेज ले रहे हैं या नॉन वेज ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो संतुलित आहार सबसे प्राथमिकता दी जाएगी, संतुलित आहार को, जिसमें सलाद का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाए। खाना जो भी खाने का तरीका है, लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करना है। खाने की एक लिमिटेशन होती है कि अगर आपको शाम को खाना खाना है तो उसमें एक रोटी आपको कम ही खाना है। ओवर ईटिंग से भी आपको प्रॉब्लम बनती है, ठीक है, और प्लस क्वालिटी, आपको फीड के जितना भी आपको खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, तभी हम लोगों की सेहत उसमें ठीक रह पाएगी। जी मैं वैभव जी का रुख करूंगी। वैभव जी, जिस तरह से हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, इस तरह की तमाम बीमारियों से बचने के लिए क्या कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए? जहां तक सतर्कता का ध्यान है तो बिल्कुल सही बात की डॉक्टर शहनवाज जी ने कि जब लाइफस्टाइल, जब हम मैंने बात ही इस बात से शुरू की थी कि हार्ट अटैक जो है वो लाइफस्टाइल की डिसीज है। अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 दशक में, 1 दशक में खासकर, जिस तरह से हार्ट डिसीज बढ़ी है, हार्ट अटैक बढ़े, उनके कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ही बड़े चेंजेज आए हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है। पहले हम लोग घर का बना खाना खाते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाते थे। आज हमारा जो फोकस है, जो अट्रैक्शन है, वो जंक फूड पर बहुत बढ़ चुका है। हम लगातार रेडीमेड प्रोसेस फूड को खाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो हमें अपने खाने पर खासकर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आजकल मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, मैं 8-9 बजे से पहले उठ ही नहीं सकता, मैं 12-1 बजे तक सोता हूँ। तो अगर हमें अपनी प्राथमिकता में स्वास्थ्य रखना है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी और हमें समय पर सोने जाना पड़ेगा। हमें 10-10:30 पर सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, फिर हमें फिजिकल एक्टिविटी सुबह 1 घंटे की करनी है, चाहे हम कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे हम टहल रहे हैं, किसी भी फॉर्म में करना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है नींद। नींद को हम बहुत ही टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आजकल। रात में 2-2 बजे तक लोग मोबाइल, लैपटॉप पर वीडियो देखते रहते हैं, नींद पूरी सोते नहीं है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। ये जरूरी है कि हम स्लीप हाइजीन पर ध्यान दें, एक निश्चित समय पर सोएं और एक निश्चित मात्रा में नींद लें, क्योंकि हमारी पूरी हमको री एनर्जाइज करती है। और चौथा जो है वो फिर मैं वो बात कहूंगा जो मैंने शुरुआत की थी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर हम इग्नोर करेंगे और उन सवालों को हम एड्रेस नहीं करेंगे जो हमारे मन में अस्थिरता और निराशा पैदा करते हैं, परेशान करते हैं, व्याकुलता पैदा करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हम बीमारियों से घिर जाएंगे। तो इन चारों चीजों पर ध्यान देना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। वैभव जी, क्या लोगों में अलग अलग हो सकते हैं हार्ट अटैक के लक्षण? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो यूजुअल जो लक्षण हार्ट अटैक का होता है वो छाती में दर्द होता है, सेंट्रल चेस्ट में, और जो बाएं हाथ की तरफ रेडिएशन भी हो सकता है, उसमें पसीना आ सकता है। लेकिन कुछ हार्ट अटैक के एटिपिकल सिम्टम भी होते हैं जो खासकर ओल्ड एज में और फीमेल्स में ज्यादा, जो लेडीज हैं उनमें एटिपिकल सिम्टम ज्यादा पाए जाते हैं, जो हो सकते हैं कि डकार आ रही थी या फिर सांस फूल रही थी, कुछ एटिपिकल सिम्टम की तरह प्रेजेंट करते हैं। कई बार वो जाकर पेट के डॉक्टर के पास भी एडमिट हो जाता है मरीज की, मेरे पेट में गैस बन रही थी बहुत ज्यादा, और बाद में जब ECG किया तो पता लगता है कि वहां पर
हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, तो हमें एटिपिकल लक्षणों पर भी ध्यान देना है हार्ट अटैक के, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सांस फूलना, भारीपन आना और घबराहट होना, ये उलझन होना, ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं जी। वैभव जी, मैं शहनवाज जी का रुख करूंगी। शहनवाज जी, अगर देखा जाए तो आजकल जो कम एज के बच्चे हैं, लड़के हैं, उनमें कई ज्यादा शौक होता है कि वो जिम जाएं, अपनी बॉडी बनाएं, और अपनी एज से ज्यादा वर्कआउट करते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बॉडी को बनाने का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, हम फिट रहे, हम जो हमारे दिनचर्या के काम है वो हम बिना थकावट के कर सके, अपनी बॉडी में एक ताकत महसूस कर सके। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो चाहती है कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखे, हमारी हैवी बॉडी दिखे, तो उसको लेकर के वो लोग एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं, जो कि कई केसों में ब्रेन हेमरेज की भी कंडीशन की तरफ कई बच्चे ऐसे डाइवर्ट हो गए हैं। प्लस जो लोग ज्यादा पर्सनैलिटी बनाने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो मेन हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों को पर्सनालिटी बस उतनी बनानी है जितने में हमारा शरीर स्वस्थ रहे, खाना उतना खाना है जितने में हमारे शरीर को जो भी एनर्जी, हमको जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी हमको बॉडी की नीड है उतनी हमको फुलफिल करनी है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा करेंगे बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, और जो बॉडी में प्रमुख ऑर्गन्स हैं उनको आपकी ओवर ईटिंग है, आपका ओवर वेट है, आपको जो भी चीजें आएंगी वो सब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। और सबसे बड़ी चीज जो आती है कि जैसा कि व्यवस्थक ने बताया कि नींद हमारी नहीं पूरी हो रही है। सबसे अहम चीज ये है कि सर ने बोला कि लैपटॉप पे, चाहे यंग जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो, कोई भी अगर लैपटॉप पे या घर पे जो भी काम करता है उसको कोशिश करना चाहिए हमको अपना जो भी वर्क है उसमें से 8 घंटे सोने के निकालने ही निकालने हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप नहीं आप सो पा रहे हैं, आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, जब स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और यही आजकल यंग जनरेशन क्या कर रही है कि वो बहुत जल्दी अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहती है, बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा रही है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है और बहुत ज्यादा खाना भी खा रही है, वो भी सब नुकसान करेगा। आपको अपनी बॉडी का एक संतुलित, जिसको बोला गया संतुलित आहार और संतुलित जीवनचर्या, आपको उसी के अनुसार अपने शरीर को रखना है, उसी के अनुसार आपको सारे काम करना है। जी बोलिए जी। वैभव जी, सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी को दिल का दौरा आ रहा हो तो क्या करना चाहिए उस वक्त? उस समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितना जल्दी हो सके निकटतम अस्पताल में पहुंचे जहां पर हार्ट अटैक का इलाज हो सकता है। क्योंकि हार्ट अटैक पड़ने के बाद, हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल को सप्लाई करने वाली एक नस ब्लॉक हो जाती है 100%, और उससे हार्ट के एक बड़े हिस्से को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। तो जितना जल्दी हम उस नस को खोलेंगे, चाहे इंजेक्शन के द्वारा चाहे एंजियोप्लास्टी के द्वारा, वो उतनी ही मायोकार्डियम को बचाएगा। तो सबसे पहले निकटतम अस्पताल में तुरंत पहुंचकर ECG कराएं और जितना जल्दी हो सके इलाज लें, ये सबसे प्रथम करना है जी। डॉक्टर वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए, और डॉक्टर शहनवाज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। अभी के लिए प्राइम चर्चा में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।